ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। चेतन अरोड़ा नाम है मेरा। अपना अचानक ही फोन आया होने किसी का कि कहते थे उतों की गोदाम चो अग निकल गई है, तो आके देखे तो काफ़ी अग फैल चुकी थी, तो फायर ब्रिगेड वाले ने आके हेल्प की। उन्होंने सारी चीज सर आरा रोड का काम से, आरा रोड का काम से गोदाम हैगा सी, तो उत्थे अचानक ही कहते अज शॉर्ट सर्कट होने के कारण की कहते अपना अज ये काम बन सर। ये तो हूँ देख के ही पता चलेगा कि ये हूँ पता लगना कि चांस नहीं बने भी गोदाम कोई यह दिक्कत नहीं सी। अचानक ही पता नहीं समय नहीं लगी अज की शॉर्ट सर्कट होने नहीं कोई जानी नुकसान। असी सेवा सैडी फायर ब्रिगेड अवस्थी राम तो आए हैं। थोड़ी क देर पहला सूँ तलाह मिली थी कि तरन तारण रोड से एक कोई गोदाम है उत्थे अग लगी है। जदों मौके पर असं इतने पहुंचे हाँ तो इतने वेख्या गोदाम के अग बहुत ज़्यादा सी, जिद छत भी उड़ गई वा। आके पता लगा कि भई ये जीना माटो अंदर सी, ब्लीचिंग पाउडर सी, उन्हें करके अग ज़्यादा फैली है जिद छत उड़ गई। मौके पर ढाब अस्सी राम फायर ब्रिगेड नगर निगम फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच चुकी थी। असं आते अग से कंट्रोल करना चालू कर दिता। लगभग अद्धा का घंटा हो गया सानू अग ते कंट्रोल करदे आ, और 10% काम रह गया अग बुझांदे आ, ओह असीं बुझा रहे हां जी। किन्नी गड्डियां आ चुकियां? हां जी किन्नीयां गड्डियां आ चुकियां? 3 गड्डियां मौके ते अजे तक पहुंच चुकियां जी। किन्ना क नुकसान हो? नुकसान दा अजे मालकां नूं पुछ के ही है जी, अंदर किन्ना क माल सी, किन्ना क समान सी। इह जीना माटो अंदर ते ओहदा ब्लीचिंग पाउडर दा जिहड़ा जी गोदाम ओह बनाया होया सी। लगदा नहीं है रैशी इलाका इहदे विच नहीं रखणा चाहीदा? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਰੈਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ।